बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्लास इंटर। टुडेज़ माय टॉपिक इज़ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस। द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिक्वायर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म M+1 एंड M2+ आयंस रेस्पेक्टिवली, सी इन टेबल। बेटा जैसे कि आपको पता है कि जो अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो M+ और M+ आयंस बनाते हैं। वो बेटा कैसे बनाते हैं, ठीक है, उनको बेटा कुछ मीन्स के कंसिडरेबल अमाउंट एनर्जी का रिक्वायर हो तब बेटा वो क्या बनाते हैं, M+ और M+ आयंस। बट व्हेन दीज आयंस आर फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन M+1 एंड M2+, द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ गैसियस आयंस इज अपसेट बाय द हाई नेगेटिव वैल्यूज फॉर द एंथैल्पीज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द आयंस लिस्टेड इन द टेबल। बेटा देखें, अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस की बात करेंगे तो हमारे पास दिस इज लिथियम, अल्कली मेटल है बेटा ये, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या है -499, सोडियम की क्या है -390, पोटाशियम की 306, रुबिडियम की बेटा -281, सीजियम की बेटा 248। अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की, ये बेटा क्या है, बेरिलियम, बेरिलियम की क्या है -2425, माइनस मैग्नीशियम की बेटा ये, और ये कैल्शियम की, और बेटा ये स्ट्रोंशियम की, और बेटा ये वैल्यू किसकी है, बेरियम की। अभी बेटा देखें, हाइड्रेशन एनर्जी जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस जो होते हैं वो ज़्यादा हाइड्रेटेड होते हैं देन अल्कली मेटल आयंस बेटा। वो क्यों, क्योंकि बिकॉज M+ आयंस है स्ट्रांगर इलेक्ट्रिक फील्ड देन M+1 आयंस। हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी बेटा होती क्या है, ये अभी देखें कि ये क्या है, इंक्रीज होती है विद डिक्रीजिंग साइज ऑफ द आयन। जैसे बेटा जितना आयन छोटा होगा उतनी उसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। मीन्स के कहने का मतलब ये है कि बेटा अगर हम ग्रुप में जाएंगे, जैसे कि हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग साइज ऑफ द आयन एंड इट इज़ ट्रू बोथ फॉर M+1 एंड M+2 आयंस। थस लिथियम जो है, लिथियम इज़ द मोस्ट रेडियली हाइड्रेटेड ऑफ अल्कली मेटल आयंस इज शोन बाई इट्स हाई नेगेटिव वैल्यू एंड स्मॉल आयनिक साइज फॉर द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। बेटा देखें, हमारे पास जो हाइड्रेशन एनर्जी है या एंथैल्पी है वो बेटा इंक्रीज होती है विथ डिक्रीजिंग साइज। मीन्स के हम कह सकते हैं कि जितनी आयन की साइज़ बेटा क्या होगी, छोटी होगी, उतनी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लिथियम आयन है ये क्या है बेटा, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। बेटा ये क्यों, क्योंकि जो बेटा लिथियम आयन है उसकी जो साइज़ है वो क्या है बेटा, कम। ऐसे ही बेटा हम बात करेंगे, अगर हम द सेम इज ट्रू फॉर द बेरिलियम, अगर बेटा बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम आयंस इन द टू ग्रुप टू आयंस द एस ऑफ हाइड्रेशन फॉल्स डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीजिंग साइज ऑफ द आयंस। बेटा जैसे जैसे हम बेटा ग्रुप में जाएंगे तो वैसे बेटा हमारे पास जो मीन्स के हाइड्रेशन एनर्जी है वो बेटा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वो बेटा क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में जाएंगे तो हमारे पास जो बेटा साइज़ है आयन की, जो बेटा हमारे पास साइज़ है आयंस की वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज़। जैसे बेटा साइज़ बढ़ती जाएगी वैसे हाइड्रेशन एनर्जी जो है इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है बेटा। अभी बेटा हमने डिस्कस किया कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस जो द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हाई एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। वाई, बिकॉज ड्यू टू हैव अ मोर इलेक्ट्रो फील्ड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। और बेटा हमने बात की कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो बेटा ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज। बेटा ग्रुप में क्यों डिक्रीज होती है, डिक्रीज होने की वजह क्या है बेटा ग्रुप में, बेटा ग्रुप में डिक्रीज होने की वजह ये है क्योंकि जैसे हम ग्रुप में आते हैं तो एटम की जो साइज़ है वो बेटा क्या होती जाती है, इंक्रीज। जैसे एटम की बेटा साइज़ बढ़ती जाएगी ऐसे बेटा जो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी है आयंस की वो बेटा क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अभी बेटा हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी बेटा हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। पहले तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा मीन्स के वो टेंडेंसी किसी भी इलेक्ट्रोड की, मीन्स के वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करे या लॉस करे उस टेंडेंसी को बेटा क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड दिस इज एविडेंट फ्रॉम देयर हाई नेगेटिव एक्यूस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, दूसरे होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा वो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों उनको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है? क्योंकि बेटा वो अपना ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस। अभी देखें बेटा रिडक्शन, लिथियम जो है बेटा 1+ लिथियम कपल हैज एक्सेप्शनली हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वैल्यू फॉर द हाइड्रेशन इंथैल्पी व्हिच प्रोमोट्स ऑक्सीडेशन ऑफ लिथियम टू फॉर्म लिथियम आयंस। बेटा देखें अगर हम बात करेंगे जो लिथियम आयन है वो क्या है, एक्सेप्शनली उसकी बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। वो क्यों? क्योंकि बेटा उनकी जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज आर यूज टू प्रिडिक्ट द केस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ M2+ आयंस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव मेटल। सम एलिमेंट्स, दिस इज अल्कलाइन अर्थ अल्कली मेटल्स, दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर रिडक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। लिथियम की बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या है, -3.05। सोडियम की क्या है बेटा, 2.71। इसकी बेटा क्या है ये। और अगर बेटा हम बेरिलियम की बात करें, मैग्नीशियम, दिस इज कैल्शियम, दिस इज स्ट्रॉन्शियम, दिस इज बेटा बेरियम। अभी बेटा देखें, दीज वैल्यूज इमीडिएटली पॉइंट आउट दैट द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वोलेटाइल सेल्स बेस्ड ऑन वाटर इन द सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ देयर रिप्ड ऑक्सीडेशन बाय द सॉल्वेंट। बेटा देखें जो वोलेटाइल सेल होता है उस बेटा वोलेटाइल सेल में जो है हम जो बेटा क्या करते हैं कि मीन्स के अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि बेटा ये जल्दी क्या हो जाती है इनमें ऑक्सीडेशन, क्योंकि बेटा ये अपना ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाती है। इसलिए बेटा ये जो हैं मीन्स के ये बेटा वोलेटाइल सेल्स में यूज़ नहीं किए जाते। आज बेटा हमने बात की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा बेटा हमने, और बेटा हमने हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस पढ़ी। कल बेटा हम बात करेंगे डेंसिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।